हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम शुरू करने वाले हैं टेंस, मतलब कि क्या हो गया, काल, समय, जो भी आप कहना चाहो। ये टेंस एक तरीके से दिमाग में टेंशन के रूप में बैठा हुआ है। कैसे बैठा हुआ है? टेंशन यार, के मतलब टेंस जब भी बच्चे के दिमाग में आया, टेंशन है कि यार हेल्पिंग वर्ब, ये फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। अब ये दिमाग में आपको नहीं रखना है, ये लोड नहीं रखना है, बहुत ही ईजी तरीके से समझेंगे। तो चले सबसे पहले बात करते हैं टेंस, ठीक है। टेंस का मतलब क्या होता है डियर? टेंस का मतलब होता है समय। क्या होता है? समय, या क्या बोल सकते हो आप, काल। अब देखो भाई, एक बात है, समय तीन टाइप का होता है, काल तीन टाइप का होता है। मैं अभी आपके सामने बात कर रहा हूँ, आप ये वीडियो देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप, ये वीडियो देख रहे हैं, मतलब ये वर्तमान चल रहा है। क्या चल रहा है? वर्तमान। मतलब क्या हो गया? प्रेजेंट। क्या हो गया डियर? प्रेजेंट। अब जैसे ही आपके फादर आ गए, आपने वीडियो पॉज कर लिया, आपने वीडियो रोक दिया, और पापा ने ऐसे पूछा, बच्चे क्या कर रहे थे तुम, बेटा क्या कर रहे थे, तो आप क्या बोलोगे? पापा मैं वीडियो देख रहा था, पापा मैं लेक्चर देख रहा था। क्योंकि अभी आपने उस वीडियो को पॉज कर लिया है, आपने उस वीडियो को रोक दिया है, मतलब वो आप काम कर रहे थे। मतलब वो कैसी बात हो गई? वो पुरानी बात हो गई, पिछली बात हो गई, जो बात बीत चुकी है। मतलब कि क्या हो गया? भूतकाल। क्या हो गया? भूतकाल। भूतकाल, ये भूत, वो वाला भूत नहीं। तो इसको क्या बोलेंगे डियर? इसको बोलते हैं पास्ट टेंस। क्या बोलते हैं? पास्ट टेंस। मतलब कि कल तुम मार्केट में क्या कर रहे थे, किसी ने पूछा, ये क्या है? ये पास्ट टेंस है। कल तुम मार्केट में क्या कर रहे थे, आज का नहीं पूछ रहा है वो। कल तुमने क्या खाया था, ये क्या हो गया? पास्ट टेंस। मतलब कि पिछली बात, जो बीत गया है वो क्या है? पास्ट है। जो चल रहा है वो क्या है? प्रेजेंट है। और जो आने वाला है वो क्या है? फ्यूचर। किसी ने आपको पूछा, बेटा आप क्या बनोगे, तो आपने बोला मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं ये बनूंगा, मैं वो बनूंगा, ये क्या हो गया? फ्यूचर। क्योंकि अभी आप बने नहीं हो, आप फ्यूचर में बनने वाले हो, तो वो डियर क्या हो गया? फ्यूचर टेंस। तो जो भविष्य में होने वाला है उसे क्या बोलते हैं? फ्यूचर टेंस। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? भविष्यकाल, ठीक है, भविष्य। अब ध्यान देना, तीन टेंस हो गए, कौन कौन से? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब बात करते हैं, सर हमको तो स्कूल में ये बताया गया है, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। बिल्कुल डियर, वो चार होते हैं। कितने होते हैं? ये समय की क्या है? परिस्थिति है। मतलब कि वो काम चल रहा है, वो काम पूरा हो चुका है, वो काम कई घंटों से हो रहा है, या फिर एक परफेक्ट एक टाइमिंग शुरू हुआ था, उस काम उस टाइम से शुरू हुआ। जैसे आप कितने घंटों से वीडियो देख रहे हो, सर के मैं तो आधे घंटे से ये वीडियो देख रहा हूँ। अब बताओ, काम चल भी रहा है और परफेक्शन भी पता चले कि भाई आधे घंटे से मैं ये वीडियो देख रहा हूँ। अगर आप ऐसे बोलो मैं वीडियो देख रहा हूँ, क्या इसमें ये पता चल रहा है कि वो काम कब से शुरू हुआ है? तो अब बात करते हैं इनके टाइप्स की, ठीक है। तो कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है डियर सिंपल। क्या होता है? सिंपल। दूसरा होता है कंटिन्यूअस। क्या होता है? कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब क्या हो गया? लगातार। क्या हो गया? लगातार। थर्ड क्या होता है? परफेक्ट। क्या होता है? परफेक्ट। और फोर्थ होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। फोर्थ कौन सा होता है? परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब ध्यान देना यहां पर कि सर हमको तो स्कूल में 12 बताए, लोड नहीं लेना, 12 ही होंगे। कैसे? अब बताओ, प्रेजेंट के साथ ये चारों हो गए, तो कितने हो गए? चार। ऐसे कैसे? पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो कितने हो गए? 8 हो गए। एंड सेम फ्यूचर के साथ भी ये चारों हो गए, तो कौन से हो गए? 3। चार और हो गए, तो तीनों मिला के, तीनों ये मिला के, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, तीनों में चार चार, तो कितने टेंस हो गए? टोटल कितने टेंस हो गए? 12 टेंस हो गए। तो कौन कौन से? प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फिर पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और लास्ट वाला कौन सा है? फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर कंटिन्यूअस। अब बात करते हैं, सर ये तो बेसिक्स था, बिल्कुल, इसीलिए हम पहले बेसिक्स की बात कर रहे हैं। अब बात करेंगे कि डियर इसमें सेंटेंस अपन जो बनाने वाले हैं वो कैसे बनने वाले हैं, उसके बारे में बात करते हैं। देखो, तो नॉर्मल कोई भी सेंटेंस बनता है दुनिया में, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो यही फॉर्मेशन चलने वाला है। इसी फॉर्मूले के बेस पर सारे सेंटेंस बनेंगे। तो आप जरा ध्यान से सुनना, इसमें सब्जेक्ट क्या होता है, सबसे पहले हम उसकी बात करेंगे। सब्जेक्ट डियर वो होता है, जो काम कर रहा है वो सब्जेक्ट है, जो उस काम को कर रहा है वो कौन है? सब्जेक्ट है। मतलब कि मान लो अभी कौन पढ़ा रहे हैं? सर पढ़ा रहे हैं। सर क्या हो गए? सब्जेक्ट हो गए, ठीक है। मैं वीडियो देख रहा हूँ, वीडियो कौन देख रहा है? मैं वीडियो देख रहा हूँ। कौन? मैं वीडियो देख रहा हूँ, तो मैं आई क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। वह बाजार जा रहा है, अब बाजार कौन जा रहा है? बस आप एक ही सवाल पूछिए उस सेंटेंस के अंदर कि ये काम कौन कर रहा है, हु इज डूइंग दिस थिंग, कि ये काम कौन कर रहा है, वो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। तो यहाँ पर वह बाजार जा रहा है, वह क्या हो गया? सब्जेक्ट। तो सबसे पहले अपन ने बात कर ली सब्जेक्ट, अभी सब्जेक्ट ही होता है। अब बात करते हैं अपन ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट क्या होता है डियर? एक बात ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट का मतलब जिस पर काम हो रहा है वो ऑब्जेक्ट है, जिस पर काम हो रहा है वो क्या है? ऑब्जेक्ट है। तुम क्या कर रहे हो? सर मैं वीडियो देख रहा हूं।
वीडियो देख रहा हूं, ये जो वीडियो हो गया ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तुम क्या खा रहे हो? सर मैं तो आम खा रहा हूं, ये आम क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तुम क्या गा रहे हो? सर मैं तो एक गाना गा रहा हूं, मैं एक गाना गा रहा हूं, गाना गा रहा हूं मैं एक, ये एक गाना जो हुआ ये क्या हो गया डियर? ऑब्जेक्ट हो गया। तो चलो सब्जेक्ट देख लिया, ऑब्जेक्ट देख लिया, अब बात करते हैं वर्ब की। किसकी बात करते हैं? वर्ब। सर वर्ब क्या होती है? वर्ब का मतलब हो गया क्रिया, क्रिया साइड में एक्शन। क्या वर्ड दिमाग में रखो? एक्शन। अब एक्शन का मतलब क्या हो रहा है? आप क्या कर रहे हो? वीडियो देख रहे हो, देखना ये क्या हो गई? एक्शन। खाना पीना, रोना सोना धोना गाना हंसना, ये सारी डियर क्या हो गई? एक्शन हो गई। ठीक है, मैं आपको क्या कर रहा हूं? मैं आपको पढ़ा रहा हूं, पढ़ाना क्या हो गई? एक्शन हो गई। तो डियर वर्ब्स को भी अपन ने समझ लिया, अब बात करते हैं सर ये हेल्पिंग वर्ब क्या है। इसीलिए तो मैंने बताया था आपको चार और चार आठ और बारह, टोटल बारह टेंस हो रहे थे। ये हेल्पिंग वर्ब बारह के बारह टेंस में डिफरेंट होती है, ठीक है, अलग अलग होती है। तो आपको पता ही है, सबसे पहले आप पहले भी पढ़ चुके हो 6 7 8 पहले भी आपके क्लासेस में, कौन कौन सी शुरुआत होती है? डू डज से। किससे होती है? डू डज। फिर इज आर एम, हैज हैव, हैज बीन, हैव बीन, डिड, वाज वर, हैड, हैड बीन, विल सेल, विल बी सेल, वी विल हैव, सेल हैव एंड विल हैव बीन, सेल हैव बीन। लेकिन इनका मतलब क्या है? सबसे बड़ी बात ये होती है कि सर ये अलग अलग है तो ये अलग अलग क्यों है डियर? इसको समझना बहुत ध्यान से। अब मैं बोलता हूं कि मैं खेलता हूं, मैंने क्या बोला? मैं खेलता हूं। तो यहां पर क्या आएगा पता है? यहां पर डियर बनेगा आई प्ले। लेकिन अगर ये नेगेटिव है सेंटेंस, कैसा है? नेगेटिव है, वो हम डिटेल में इसको बाद में पढ़ेंगे। अगर ये सेंटेंस नेगेटिव होता, मैं नहीं खेलता हूं, तो डियर इसके साथ आएगा आई डोंट प्ले। क्या आएगा? आई डोंट प्ले। अब जरा ध्यान देना, अब हम समझेंगे हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब का इंपॉर्टेंस क्या है? हेल्पिंग वर्ब तो बहुत सारी होती है, मैंने अभी आपको बताया। तो सर ये डिफरेंट क्यों होती है? इसका रीजन देखना आप ध्यान से। वह जा रहा है, वह जा रहा है, वह जा चुका है, बस इन दो सेंटेंस में आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। वह जा चुका है, अब जरा ध्यान देना, आप पहले पढ़ चुके हो ऐसे तो। रहा है क्या शो करता है? ये कंटिन्यूटी शो करता है, कोई कोई काम लगातार चल रहा है। वह जा रहा है, He is going, जरा ध्यान देना। यहां पर डियर क्या आया? यहां पर आया is, क्या आया? यहां पर आया is। अब यहां पर ध्यान देना, वह जा चुका है, He has gone। अब यहां पर जरा ध्यान दोगे तो यहां पर क्या आया? Has। मतलब क्या हुआ? कोई काम अगर हो चुका है, मतलब वो काम पूरा हो चुका है, परफेक्शन, परफेक्शन बता रहा है कि वो काम पूरा हो चुका है, तो वहां पर क्या आता है? Has have आता है। पास्ट में है तो क्या आता है? हेड आता है। फ्यूचर में आता है तो क्या होता है? विल है, वो वाले आते हैं। तो अब जरा ध्यान से समझो इस बात को कि ये शो क्या कर रहे हैं? ये शो कर रहे हैं कंडीशन कि वो काम लगातार चल रहा है, कि वो काम हो चुका है, कि वो एक समय से शुरू हुआ था और अभी भी चल रहा है। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा? हेल्पिंग वर्ब क्या शो करती है? परिस्थिति। उस सेंटेंस के अंदर, उस सेंटेंस की परिस्थिति शो कर रही है। जैसे अब मैं बोलूं कि मैं गाऊंगा, मैंने क्या बोला? मैं गाऊंगा, मतलब मैं गाऊंगा, मतलब कि फ्यूचर में गाऊंगा। तो अब इसको फ्यूचर शो होना चाहिए, और वो भी कब गाऊंगा? फ्यूचर में। तो आई विल सिंग। अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं, वह बाजार जा रहा होगा, वह बाजार जा रहा होगा, ही विल बी गोइंग टू मार्केट। मतलब कि क्या हो गया? वह बाजार जा रहा होगा। यहां पर भी क्या शो हो रहा है? फ्यूचर की एक्शन जो कि कंटिन्यूटी में चल रही होगी। तो कहने का मतलब हमने क्या देखा कि टेंस के बेसिक्स कि सर सब्जेक्ट क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वर्ब क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो इस प्रकार से ये तो क्या थे टेंस के बेसिक्स। अब जब हम आगे जाके हम टेंस पढ़ेंगे तो उसमें अलग अलग टाइप के सेंटेंस आएंगे। जैसे कि एक एग्जांपल देखते हैं कि वह जा रहा है, अपन ने क्या एग्जांपल देखा? वह जा रहा है, वह जा रहा है। ये एग्जांपल रिपीट हो जाएगा, अपन ने देख लिया वह खेल रहा है, क्या हो गया? वह खेल रहा है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? ही इज प्लेइंग। क्या हो जाएगा? ही इज प्लेइंग। अब बच्चों बताओ, क्या इसमें कोई नेगेटिव बात हो रही है? क्या इसमें नकारात्मक बात हो रही है? मतलब कि वह नहीं खेल रहा है, क्या ऐसा हो रहा है? नहीं कि सर वह खेल रहा है, ये कैसा सेंटेंस है? ये पॉजिटिव सेंटेंस है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, सकारात्मक वाक्य है। तो डियर ये कौन सा हो गया? अफर्मेटिव सेंटेंस। कौन सा हो गया? अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं डियर
नेगेटिव सेंटेंस की कि भाई सर वह नहीं खेल रहा है, वह नहीं खेल रहा है, तो क्या बन जाएगा? ही इज नॉट प्लेइंग। तो अब यहां पर क्या आ गया? नॉट आ गया, तो ये कौन सा हो गया? नेगेटिव हो गया। अब जरा बात करते हैं प्रश्नवाचक, इंटरोगेटिव, ठीक है? इंटरोगेटिव कैसा होता है वो देखना। मैंने पूछा, मम्मी ने पूछा मुझसे, अरे यार कि क्या वह खेल रहा है? माना कि उनका बच्चा राम है, तो मम्मी, उसकी मम्मी ने मुझे पूछा क्या राम खेल रहा है? क्या पूछा मुझे? क्या राम खेल रहा है? जरा ध्यान देना, पहले मैं लिख रहा हूं यहां पर राम खेल रहा है। मैंने क्या लिखा? राम खेल रहा है, राम इज प्लेइंग। लेकिन उसकी मम्मी ने मुझे क्या पूछा? क्या राम खेल रहा है? तो ज्यादा लोड नहीं लेना, इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक क्या बनाना है? सीधा ये जो आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है उसको आगे रख दो, तो वो क्या हो जाएगा? इज राम प्लेइंग, क्या राम खेल रहा है। बहुत ही बेसिक है, बहुत इजी है। मतलब हेल्पिंग वर्ब को आगे रख दोगे, जब आगे रख दोगे तो वो क्या बन जाएगा? इंटरोगेटिव बन जाएगा, ठीक है? अब हम बात करने वाले हैं चौथे टाइप की, जो कि कौन सा होता है? इंट्रो प्लस नेगेटिव। क्या होता है? इंट्रो प्लस नेगेटिव, मतलब कि क्या राम नहीं खेल रहा है? उसकी मम्मी ने मुझे क्या पूछा कि भाई क्या राम नहीं खेल रहा है, तो क्या बन जाएगा? लोड नहीं लेना है, बहुत ही इजी है। इज राम, अब क्या आ जाएगा इसके आगे? नॉट जोड़ना है खाली, इज राम नॉट प्लेइंग। तो बच्चों ध्यान से समझना, आज के इस लेक्चर में अपन ने क्या क्या देखा? टेंस कितने टाइप्स के होते हैं, सब्जेक्ट वर्ब हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट क्या होती है, उसके बाद हमने क्या देखा कि सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं, अफर्मेटिव नेगेटिव इंटरोगेटिव इंट्रो नेगेटिव, दूसरे भी होते हैं, इंपरेटिव होता है, एक्सक्लेमेटरी होते हैं, दूसरे भी होते हैं, उनको हम बाद में देखेंगे। तो इस प्रकार से आज टेंस के हमने बेसिक्स देखे। तो अब जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसके अंदर हम बात करेंगे सबसे पहले टेंस से, मतलब कि प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन प्लीज डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, सो दैट यू कैन गेट ऑल द नोटिफिकेशन ऑन द टाइम। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।